पिछले दिनों सीएम के अस्पताल लोकार्पण समारोह में स्टेडियम में टेंट लगाया गया था, उसकी सामग्री नहीं हटाने से खिलाड़ियों को खेलने में दिक्कत आ रही है। सुबह से 3 दिन से 2 दिन से यहाँ पे बच्ची और बच्चियाँ आती हैं उसमें दौड़ने, वो दौड़ नहीं पा रही हैं और आज बेचारे बच्चों ने कुछ है ना खुद ने अपने हाथ से पाने से नहीं तो नट बोल्ट खोल खाल के प्लास से तो रेलिंग हटाई है और बच्चों ने दौड़ा है वहाँ पे रेलिंग हट जाए कम से कम सामान एक साइड पड़ा जाए तो वो रेल ट्रैक तो सही हो जाए कम से कम बच्चे दौड़ने में दिक्कत आए किसी लग जाए गिर जाए पूरा सामान वैसे ही पड़ा है। कितने दिन हो गए? अब तो 2-1 दिन पहले बंद कर दिया था, 1 हफ्ता हो गया पूरा, वो तो शुक्रवार से बंद है तो ट्रैक तो शुक्रवार से ही बंद है स्टेडियम तो। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, खिलाड़ी बहुत परेशान हैं, आगे बैठे रहते हैं, उधर घूमता कोई इधर घूमता, ट्रैक पूरा बंद है, बच्चों की जो प्रैक्टिस करते हैं रोज। प्रशासन से निवेदन इतना सा है कि ट्रैक खाली करें, खिलाड़ियों को परेशानी ना हो, 400 मीटर का ट्रैक खाली कर दें, बाकी सामान ना रहे ग्राउंड में पड़ा रहे, 400 मीटर का ट्रैक खाली कर दें बस। गुलाबगंज में जनपद पंचायत द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों का भूमि पूजन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और प्रभारी मंत्री हर्ष यादव ने किया है। सन 1994 से लेकर और 2003 तक जो अधिकार थे पंचायतों को वो अधिकार
के तौर पर पंचायतों को मिलने चाहिए। सरपंचों को, जनपद पंचायत को, जिला परिषद, जनपद और जिला परिषद के उस समय के पदाधिकारियों ने, माफ करें प्रताप भानु शर्मा जी, मैं आपके नाम हूँ, प्रताप भानु जी, माननीय पूर्व मंत्री हमारे सूर्यवंशी जी, माननीय विधायक हमारे भाई उपाध्याय जी, कृष्ण जैन जी, माफ करेंगे लेकिन मैं माफ करेंगे, पूर्व विधायक खान भाई जी, डॉक्टर जयताप सिंह जी चले गए, आप सबको माननीय क्षमा चाहता हूँ कि आपका नाम मैं नहीं ले पाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने की कांग्रेस को जिंदा रखा और कांग्रेस को आगे बढ़ाया, पंचायत की राज को और मजबूत करने के लिए हम अनुरोध करेंगे माननीय पंचायत मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे अधिक से अधिक तादाद में अधिकार संपन्न बनाए। जैसा कि मैं कह रहा था, शिक्षक कर्मी की नियुक्तियां, पंचायत कर्मियों की नियुक्तियां, ये सारे अधिकार पंचायतों के पास थे और उस समय गांव के लड़कों नौकरियां मिली और आज वो 30-40-40-45-45 हजार रुपए माहवार के तक का पास है। पंचायत कर्मियों को भी फायदा हुआ। हम लोगों ने कोशिश इस बात की थी कि गांव की व्यवस्था गांव के लोग संभाले, ग्राम सभा को अधिकार ज्यादा दिए थे और हर तरह से ग्राम सभा के लोगों को अधिकार संपन्न बनाकर तत्काल गांव की व्यवस्था गांव के हाथ में सौंपी थी। इतिहास आप सबको मालूम है, इन सब भ्रष्टाचार से निपटने के दूर देकर अगर जनपद और जिला परिषद को, नगर पालिका को फिर से वही अधिकार दिए जाए तो बहुत कुछ भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा और विकेंद्रीकरण की तरफ हम लोग बढ़े थे। महात्मा गांधी का 150वां वर्ष ये और उस वर्ष में महात्मा गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज का, वो हमें पूरा करना चाहिए। मेरे निजी तौर पर ये लड़ाई होती है, मंच की लड़ाई खत्म हो जाए तो आधी खत्म लड़ाई हमारी खत्म हो जाए, क्योंकि कौन मंच पर बैठे कौन नहीं बैठे ये सबसे बड़ा संकट का काम होता है, उसके लिए जो भी व्यवस्था करना है। इसलिए मैंने तय किया हुआ कि हम लोग मंच पर नहीं बैठेंगे। दूसरा निर्णय ये है कि भूल वाला नाम है, क्योंकि किसी भी नेता का दिमाग खराब करना है उसको महामंडल कर दिया है, इसलिए मुझे तो मेरा दिमाग ऐसे खराब करता तो मुझे आप और खराब ना करें। और इसीलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि यहाँ पे दूसरा मैं बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कह दिया फ्लैक्स वगैरह लगाना बंद करो, आज काफी अंदर तो लगे बाहर नहीं लगे अच्छी बात है, क्योंकि फ्लैक्स वगैरह लगाने से नियम बनाई चालू हो जाती है और फ्लैक्स की राजनीति अलग चालू हो जाती है। फ्लैक्स की राजनीति मतलब ये है 700-100 रुपए में आजकल फ्लैक्स का बैनर बन जाता है और उसमें किसी की कई लोगों की राजनीति चल पड़ती है, जमीन की राजनीति से दूर हो जाती है।